हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के MCQs के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ये ना सिर्फ आपको PhD के लिए ज़रूरी है, बल्कि अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट की। तो इसको आज हम MCQs को करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं। अगर आप PhD का एंट्रेंस देने वाले हैं तो उसके लिए भी ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैज़ डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेशन एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटीरियल सोर्सेज टू अचीव डिज़ायर एंड। ये एक डेफिनेशन है जो कि आपको JF फिफ्नर ने दी थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या चीज़ है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उनके द्वारा कहा गया कि द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव डिज़ायर्ड एंड। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन का जो आंसर रहेगा दैट इज़ बी। एंड सेकेंड इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है? तो ऑप्शन है, इट अपहोल्ड्स पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक मैनेजमेंट बात नहीं करता। ठीक है, सो सेकेंड, थर्ड इज़ गुड गवर्नेंस एंड पार्टिसिपेटिंग सिविल सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट वर स्ट्रेस्ड इन वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑफ। ऑप्शन इज ए, आंसर इज ए 1992। इफ़ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी विद इन अ डिपार्टमेंट इज़ वेस्टेड इन अ सिंगल इंडिविजुअल देन दैट सिस्टम इज़ नोन एज बी ब्यूरो। ऑप्शन इज ब्यूरो। इफ़ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी विद इन अ डिपार्टमेंट इज़ वेस्टेड इन अ सिंगल इंडिविजुअल, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी किसी एक सिंगल इंडिविजुअल के साथ बनाई गई है देन दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड एज ब्यूरो। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन मीन्स। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है, द ग्रोथ ऑफ अ सिंगल यूनिफाइड वर्ल्ड मार्केट। द ग्रोथ ऑफ अ सिंगल यूनिफाइड वर्ल्ड मार्केट मीन्स कि ग्लोबलाइजेशन में एक सिंगल मार्केट का, वर्ल्ड मार्केट का पैमाना तैयार किया जाएगा जिसमें कि सभी कंट्री पार्टिसिपेट करेंगी फॉर ट्रेड पर्पस, फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, बाय हुम वाज द मैनेजीरियल ग्रीड डेवलप्ड। इसका आंसर है, ब्लैक एंड माउंटेन। ये मैनेजीरियल ग्रीड एक थ्योरी जो दी गई थी वो दी गई थी ब्लैक एंड माउंटेन ने। सो हु अमंग द फॉलोइंग सेज दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स द ऑपरेशन ऑफ ओनली द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के फंक्शन को ऑपरेट करता है सरकार के। तो ये चीज़, ये जो बात कही गई थी, ये कही गई थी लूथर गुलिक के द्वारा। द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ इंडिफ्रेंसेज इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन इज अथॉरिटी विच, हु वॉज एनालाइज द लीडरशिप इन विच ऑफ द सर्कुलर रिस्पॉन्स। आंसर इज MP फैलॉट। सीमन प्रपोज्ड अ न्यू कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन द मेथोडोलॉजी ऑफ, जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो कंसेप्ट की एक मेथोडोलॉजी दी गई थी सीमन के द्वारा दैट इज़ लॉजिकल पॉजिटिविज्म। को क्या थ्योरी दी गई थी, लॉजिकल पॉजिटिविज्म के बारे में दी गई थी। ठीक है, आशावादी तर्क शक्ति के ऊपर। हु रोट द बुक टूवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। टूवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर किसने लिखी थी बुक, द मिनो ब्रूक परस्पेक्टिव। आंसर इज ए, फ्रैंक मैरिनी। हु रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज मिथ एंड प्रोवर्ब। आंसर इज हर्बर्ट सीमन। मिथ एंड प्रोवर्ब के किसने रिजेक्ट किया था, दैट इज हर्बर्ट सीमन। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज, क्लासिकल थ्योरी है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वो किस और नाम से जानी जाती है, दैट इज़ मैकेनिस्टिक थ्योरी। किसके द्वारा जाने कैसे जानी जाती है, दैट इज़ मैकेनिस्टिक थ्योरी। हाउ मैनी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर प्रोपाउंडेड बाय हेनरी फ्योर। कितने प्रिंसिपल दिए गए थे, दैट इज़ 14 प्रिंसिपल। सीमन वॉज पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय आइडियाज ऑफ बर्नार्ड।
जिसके आइडिया से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे सीमन, दैट वाज बर्नार्ड। नेगेटिव मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर? नेगेटिव मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन फियर, नॉट रिवॉर्ड, नॉट मनी, नॉट स्टेटस। जॉब लोडिंग मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, नहीं। डेलीब्रेट अपग्रेडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्कोप्स एंड चैलेंजेस, दिस इज द आंसर, जॉब लोडिंग। ठीक है। द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन प्रिज्मेटिक सोसाइटी, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी दी गई थी वो किस के ऊपर बेस्ड थी? दैट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन ओल्ड थिंकर? ओल्ड थिंकर कौन है ये में से? दैट इज टेलर, सबसे ओल्ड थिंकर एडमिनिस्ट्रेशन के, दैट इज टेलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन हाइजीन फैक्टर इन द हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? आंसर इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। द गैंग बैंग रेफर्स टू डी लेवल जम्पिंग। द हिस्ट्री ऑफ इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज जनरली डिवाइडेड इन टू, ऑप्शन इज सी, फाइव फेजेज। क्या है ऑप्शन सी? इज फाइव फेजेज। हिस्ट्री ऑफ इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज जनरली डिवाइडेड इन टू फाइव फेजेज, जिसमें कि आपका था हिस्टोरिक था, कंपेरेटिव था, इस तरह से बहुत सारे फाइव पार्ट्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हिस्टोरिकली अंडरस्टैंड करने के लिए। हेनरी फ्योल्स जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज एप्लीकेबल एट, हेनरी फ्योल की जो जनरल थ्योरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो किसके ऊपर ज़्यादा एप्लीकेबल? टॉप मैनेजमेंट लेवल के ऊपर उन्होंने बात कही थी कि टॉप मैनेजमेंट लेवल किस तरह का होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज एफ डब्ल्यू टेलर, द फाउंडिंग फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट, प्रोपाउंडेड द थ्योरी विच वॉज कंसीव्ड टू बी अ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ऑफ, आंसर इज डी, ऑल ऑफ द ऑल ऑफ दीज मीन्स केयरफुल ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, मेजरमेंट प्रॉपर रहना चाहिए, जनरलाइजेशन होनी चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन नॉट कॉमन, इनमें से प्राइवेट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉमन नहीं है, किस में नहीं है? स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी में कॉमन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये थे आज के 25 क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस्ड। इफ़ यू वॉन्ट मोर वीडियोज ऑन सच काइंड ऑफ MCQs, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।